आदावर से दोस्तों, मैं बॉलीवुड डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर सुहेल कुरैशी एसक्यूएफ फिल्म प्रोडक्शन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे गाने के बारे में जिसे गाया था एक लेजेंड कव्वाली कव्वाल ने। जी हाँ, अगर उनको जाना जाए तो ये नाम गलत नहीं होगा। वो फेमस थे कव्वाली के लिए पूरी दुनिया के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नुसरत फ़तेह अली खान की। नुसरत फ़तेह अली खान का एक किस्सा मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, फिल्म कच्चे धागे का। उस किस्से को सुनाने से पहले मैं चाहूँगा आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए। एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था कच्चे धागे, और उस फिल्म के अंदर एक गीत था जिसका नाम था, जो सूफियाना था, जिसका नाम था इस साने करम का क्या कहना। और वो कव्वाली थी, और बड़ी प्यारी वो कव्वाली थी। तो जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे जिनका नाम था मिलन लुतिहार, उन्होंने इसे गवाने के लिए नुसरत फ़तेह अली खान साहब को पाकिस्तान से बुलवाया। म्यूज़िक भी उन्होंने खुद ही दिया था, और इस गाने को, इस सूफियाना कव्वाली को लिखा भी खुद था। लेकिन जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे वो ये चाहते थे कि मैं इसके एक बार लिरिक्स देख लूँ कि लिरिक्स कैसे हैं। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब को उन्होंने फ़ोन करा कि इसके लिरिक्स मुझे आप दिखाइए। दोस्तों, आपको बता दूं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जब हिंदुस्तान आए तो एक होटल में रुके हुए थे वो, और उससे जस्ट थोड़ी ही दूर पर मिलन लुतिहार, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उनका घर था। तो नुसरत साहब ने लिरिक्स लिख करके भेजे, और जब मिलन लुतिहार साहब ने वो पढ़े तो उन्हें ऐसा लगा कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब उनसे मिलने यहाँ नहीं आए। तो उन्होंने लिरिक्स में कुछ नुक्स निकाल लिया, तो उधर से उन्होंने कुछ नुक्स निकाला, और फिर जब वो उधर से नुक्स निकाल के भेजते थे तो इधर से नुसरत साहब कहते थे कि नहीं, ये म्यूज़िक के एतवार से ठीक नहीं है। बहरहाल 2 या 3 दिन तक इस तरीके की चीज़ें चलती रहीं। जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो ये चाहते थे कि नुसरत साहब चढ़ करके यहाँ पर आए मेरे फ्लैट पे। बता दूँ, जो नुसरत साहब रुके हुए थे वो वहाँ पर होटल में रुके हुए थे, और नुसरत साहब सिर्फ इस वजह से नहीं चल पा रहे थे क्योंकि नुसरत साहब का ये हालत हो गई थी दोस्तों कि वो वज़न में बहुत भारी हो चुके थे, और वो कहीं पर भी जाते थे तो उनके साथ 4-5 लोग होते थे जो उन्हें पकड़ करके ले जाते थे। नुसरत साहब सिर्फ इस वजह से वहाँ डायरेक्टर के घर तक नहीं जा पा रहे थे कि वो 14वें माले पर रहते थे और लिफ्ट में जाने में उन्हें दिक्कत होगी। जब ये सारी चीज़ें चलती रहीं तो हार के नुसरत साहब ने कहा कि आप मुझे उनके पास ले चलिए, और मैं वहाँ पर जो है उनको बैठ करके वहीं पर इसको हम करेक्ट करेंगे। तो जब नुसरत साहब के साथ जो 5-7 लोग थे और वो पकड़ के लिफ्ट में लेके उन्हें गए, और जब डायरेक्टर ने ये स्थिति देखी तो वो रोने लगे, और उन्होंने कहा कि मैं कितना गलत था, क्योंकि वो ईगो में थे। वो ये समझ रहे थे कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक बड़े लेजेंड हैं, तो वो भी लेजेंड हैं, लेकिन आज चाहे जो हो जाए नुसरत साहब को मेरे पास यहाँ आन करके लिरिक्स ठीक कराने पड़ेंगे। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि नुसरत साहब अपने ईगो की वजह से नहीं आ रहे हैं। लेकिन नुसरत साहब के साथ जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो वजन में इतने हेल्दी हो चुके थे कि उनका कहीं से कहीं जाने का भी थोड़ा सा भी सफ़र होता था तो 4-5 लोग उनको पकड़ करके लिए जाते थे। तो फिर डायरेक्टर ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि नुसरत साहब, मैं बहुत गलत था, मैं अपने ईगो पे ये बात ले गया था, जबकि मुझे नहीं पता था कि आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको अगर कहीं जाना हो तो फिर आपको 5-7 लोग पकड़ के ले जाते हैं। बहरहाल फिर नुसरत साहब को अपने घर उन्होंने रखा और कहा कि सर, अब आप कहीं नहीं जाएंगे और रिकॉर्डिंग भी यहीं होगी। फिर घर पर ही एक स्टूडियो बनाया गया जो ऑलरेडी था शायद वहाँ पर, और वहाँ पर ये फिर ये जो कव्वाली थी वो रिकॉर्ड हुई, इस साने करम का क्या कहना। मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। नवाजता है जो सबको वो दिल नवाज है तू, नियाजमंद है सब और बेनियाज है तू। बहरहाल ये बहुत लंबी कव्वाली है, बहुत फेवरेट कव्वाली है। तो इस तरीके से वो फिर कव्वाली रिकॉर्ड हुई, और फिर फिल्म कच्चे धागे जो बनी, तो यकीन मानिए जितनी बेहतरीन उसकी स्टोरी थी और उतनी बेहतरीन ये कव्वाली थी। और अगर सारे गाने देखे जाएँ तो सारे ही सुपर हिट हैं। एक गाना इसमें और गाया था नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने लता मंगेशकर के साथ। लता मंगेशकर की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं नुसरत साहब के साथ कभी गाऊं, और उनका ये ख्वाब इसी फिल्म में पूरा हुआ था। लेकिन ये किस्सा मैं आपको फिर अगले एपिसोड में बताऊँगा।
और ऐसे ही किस्सों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलूंगा एक ऐसे ही किस्से के साथ। जय हिंद।